स्नेह है और मुझ पर भरोसा है। उन्होंने मुझे इस जो के समझा कि मैं उनके खेत खलिहानों की लड़ाई को लोकसभा में ले जाऊं या बाहर भी उस लड़ाई को लड़ूं, जो खेती को बचाने का सवाल है, रोजगार को बचाने का सवाल है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने का सवाल है, महंगाई के खिलाफ में, बेरोजगारी के खिलाफ में, व्यवसाय को बचाने की लड़ाई है। हम लोग ये लड़ते रहेंगे लोकसभा के अंदर भी और बाहर भी। लड़ाई काफी कठिन रही, किसे श्रेय देंगे? भोजपुर की जनता को, यहाँ के महागठबंधन के साथियों को, तमाम दलों के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य हमारी पार्टी के महासचिव, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित नेता श्री राहुल गांधी जी जो राष्ट्रीय नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वीआईपी के मुकेश सहनी जी हैं, ये सारे लोगों ने, सीपीआई सीपीएम के नेता सभी लोगों ने जोर शोर से कहा जाए कि मैंने प्रयास किया, मेहनत किया और हमारे समर्थन में यहाँ रैलियां और सभाएं की। हम उनको भी धन्यवाद देते हैं और यहाँ के लाखों किसानों, मजदूरों, दुकानदारों, छात्र युवाओं, माताओं, बहनों को भी कि उन्होंने मुझे जिता करके भेजा। और मैं समझता हूँ आज भोजपुर का एक एक नागरिक जो है वो एमपी बना है। एनडीए का 400 का नारा था, 300 पार नहीं कर पाया, ये अभी देखिए पावर मिनिस्टर को हराया है, क्या कहने आपको तो इसका नतीजा यही होता है। धन्यवाद। अरे इंडिया गठबंधन जिंदाबाद।